कुछ सालों से बॉलीवुड फिल्मों का किस कदर बंटाधार हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में ऐसे फ्लॉप हो रही हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। अब तो ये तक कहा जाने लगा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का वक्त खत्म हुआ और ये साउथ फिल्मों का दौर है। यही वजह है कि बॉलीवुड में जो भी फिल्में बन रही है, जिस भी सब्जेक्ट पर बन रही है, उन सब की आलोचना हो रही है। इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ दें तो बाकी सभी फिल्मों की, बड़े बड़े स्टार्स की खूब ट्रोलिंग हो रही है। इसी बीच एक्ट्रेस नुसरत भरूचा एक ऐसी फिल्म के जरिए पर्दे पर दिखाई देंगी जिसका सब्जेक्ट बेहद बोल्ड है। इतना बोल्ड कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल नुसरत की अपकमिंग फिल्म का नाम है जनहित में जारी। ये फिल्म कॉन्डम के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। फिल्म में नुसरत सेल्स गर्ल बनी है जो कॉन्डम बेचती है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का काम करती है। नुसरत की फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर जहां कुछ लोग खुश हैं, तो वहीं ज्यादातर लोगों में नाराजगी दिख रही है। आलम यह है कि सोशल मीडिया पर नुसरत के साथ साथ पूरे बॉलीवुड की आलोचना की जा रही है। दरअसल नुसरत ने फिल्म का एक पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिस पर लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स भद्दे भद्दे कमेंट्स लिखकर अपना विरोध जता रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, किसी ने सही कहा है, बॉलीवुड का भट्टा बैठ चुका है, साउथ फिल्मों पर फोकस करना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, अनदर डी ग्रेड फिल्म बाय चर्सीवुड। एक और यूजर ने लिखा, ये सब चोंचले हैं, इन लोगों के मेडिकल स्टोर ओपन कर लो सब, बॉलीवुड वालों यही काम रह गया है तुम लोगों पर। अब ये ज्ञान तो गवर्नमेंट कब से दे रही है, डीडी नेशनल पर जाकर देख लो। तो देखा आपने कैसे इस फिल्म के पोस्टर पर लोग भद्दे कमेंट्स कर नुसरत को ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें फिल्म 10 जून को रिलीज होगी और जल्द ही इसका ट्रेलर रिलीज होगा। वेल वर्लफ्रंट की बात करें तो नुसरत जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म राम सेतु में नजर आएंगी। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।